shadow. यादाश्त में कितनी अजीब चीज होती है। किस चीज को पूरी जिंदगी भूलने की कोशिश करो वो भूलती नहीं, कभी एक छोटी सी चीज याद करने की कोशिश करो तो याद नहीं आती। मैंने तो मुझे तुम्हारी जिंदगी सुखा दी, कहते जाओ जाओ इसके बिना जीना। फिर एक दिन जादू की तरह ये तुम्हें वापस मेरी जिंदगी में भेज देते हैं, मेरे सारे खोए हुए ख्वाब लौटा देते हैं। झट से मुझे पकड़कर स्क्रीन पर पकड़ देते। एक आवाज है जो मेरे कानों में गूंजती रहती है, एक चेहरा है जो मेरे आंखों के सामने बार बार आ जाता है। मेरे दिल का सुकून थी वो, उसी ने कहा था पंछियों को आजाद करो अल्लाह की रहमत होगी, अल्लाह के मखलूक को आजाद करो। उसने कहा था एक मजलूम को आजाद करने का मतलब है सारी इंसानियत को आजाद करना। आज मौका मिला है उसकी बात पर अमल करने का, और मैं वही कर रहा हूं। पूरी जिंदगी लग गई है समझने में कि हम किसी और से प्यार तभी कर सकते हैं जब हम अपने हाथ से करना छोड़ दें। एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, और रिश्तों की तरह दो लोगों में नहीं पड़ती। सिर्फ मेरा हक है इसमें, सिर्फ बाबूजी ने कहा गाँव छोड़, सबने कहा पारो को छोड़ दो, पारो ने कहा शराब छोड़, आज तुमने कह दिया हमें छोड़। एक दिन आएगा जब वो कहे दुनिया ही छोड़। मेरे सीने की आज्ञा तो मुझे जिंदा कर सकती थी या फिर मुझे मार सकती थी, पर सलाब उठे कौन फिर से मेहनत करे दिल लगाने को। दिल अबे कोई तो आवाज देके रोक लो। बस ये थोड़े दिन और जीकर मैं इतना तो जान गया हूँ कि मरने के लिए तुम्हें कितने भी रीजन मिल जाए, जीने के लिए बस एक ही वजह काफी होती है, क्योंकि जिंदगी में हम वही चीज खो चुके थे जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते थे। मलिक साहब जिनके अपने सपने पूरे नहीं होते ना, वो दूसरों के सपने पूरे करते हैं। मेरा हाथ से हाथ छोड़ना, मेरा सायों का रुख मोड़ना, मेरा पलक के पैर पर लेना, नहीं माफ करूंगा मैं जब तक है जान, जब तक है जान। मैं आज भी उससे इतनी मोहब्बत करता हूं, और इसलिए नहीं कोई और नहीं, पर इसलिए इनसे मोहब्बत करने से फुर्सत ही नहीं। जब भी मुझे वो याद आती, कैसे ये आ जाए तुम पे। सदियों सी लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। आ जाओ लौट कर तुम, ये दिल कह रहा है। फिर शाम तन्हाई जागी, फिर याद तुम आ रहे हो, फिर से आपसे निकलने लगी है। कैसे ये आ जाए तुम बिन। अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। तुम समझते क्यों नहीं कि अगर मैं तुम्हारे साथ 2 मिनट और रही तो क्या ना मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा फिर से, और तुम्हें नहीं होगा फिर से। अंधेरे को अंधेरा नहीं, सिर्फ रोशनी मिटा सकती है। नफरत को नफरत नहीं, सिर्फ प्यार मिटा सकता है। वो 8 साल का बच्चा जो डरकर बिस्तर के नीचे छुपा था, आज तक वही है। उसे बस जरूरत है किसी के हाथ की, किसी के सहारे की, जो खींच कर उसे अंधेरों में से उजालों में ला सके। जब तक हम किसी के हमदर्द नहीं बनते, हम दर्द से और दर्द हमसे जुदा नहीं होता। 18 मार्च 2002, 18 मार्च 2002 तुम मुझे पहली बार मिले थे माया। I remember the exact time माया। उस दिन से मुझे लगा है कि मैं तुम्हें सदियों से जानता हूँ। मेरे गांव के रंगों में लिपटी एक नई सारा को देखता, मेरे ख्वाबों को पूरा करती, उनके ख्वाब भूल चुके हैं, मेरे लोगों की सेवा करते, अपने लोगों को छोड़ चुके। उसका दामन अब खुशियों से भरने को जी करता, कौन कम वक्त बर्दाश्त करने को पीता। हम तो पीते हैं कि यहाँ पर बैठ सके, तुम्हें देख सके, तुम्हें बर्दाश्त कर सके, बेहोश हो सके, फारूक को भुला सके। मैं आंखें बंद करता हूँ तो तुम्हें देखता हूँ, आंखें खोलता हूँ तो तुम्हें देखना चाहिए। तुम पास नहीं होती तो तुम्हें चारों तरफ महसूस करता, हर पल, हर घड़ी, हर वक्त। मेरे नैना, मेरी नैना को ढूंढ, इसे प्यार का हो पागल बन गया मेरे दिल की मिले। लेकिन मेरे जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता, क्योंकि किसी के पास तुम ही नहीं। जिंदगी में पहली बार इस दिल में किसी को दिल से चाहा, पहली बार इस दिल ने किसी के लिए सांस ली, पहली बार इस दिल किसी से मोहब्बत की। ना इस दिल की मोहब्बत में बहुत ताकत है, लेकिन ये दिल बहुत कमजोर। हमारी जिंदगी में भी एंड तक सब कुछ ठीक ही हो जाता है। हैप्पीज एंडिंग, और अगर ठीक ना हो तो होती एंड नहीं। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। शैडो